प्रदेश में निकाय चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। यही नहीं, नेता टिकट नहीं मिल पाने पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े होने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ऐसा ही कुछ हुआ कानपुर देहात के झींझक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए। दरअसल बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बहू दीपा कोविंद ने बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन करने पहुंची दीपा कोविंद ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बीजेपी ने उन्हें किस वजह से टिकट नहीं दिया। वो काफी समय पहले से चुनावी तैयारी में जुटी थी। मानते कुछ नहीं है, हमको तो नहीं पता है बीजेपी ने हमको क्यों दिया। फिर भी उनका हम सम्मान करते हैं कि जो भी चुनाव होगा सही चुनाव होगा, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम चुनाव जो है हमारी जनता हमारे साथ है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर दीपा कोविंद के नामांकन के बाद बीजेपी का पूरा प्लान बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि राष्ट्रपति की बहू को नजरअंदाज करना बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा। कानपुर देहात से राम दीक्षित, पंजाब केसरी टीवी। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।